नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार नौ का सवाल है क्वेश्चन सेज अ बॉडी ऑफ मास वन के जी इज थ्रोन अफर्स विद द वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इट मोमेंट मोमेंट रीली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अट ऑफ एटीन मीटर हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ड ड्यू टू एयर फ्रिक्शन हमें बताना है और हमारे ऑप्शन है दस जूल बीस जूल तीस जूल या फिर चालीस जूल सिंपल सवाल है वर्क एनिथोरम की एप्लीकेशन है सो so, हमने क्या किया है कि यहाँ से गेंद को लॉन्च uh, किया है u इज़ इक्वल टू हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 1 के जी हालाइट और ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड हमने दिए तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे इस एच हाइट तक पहुँची है अगर हम कैनामेटिक्स की बात करें इसको हम फटाफट चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एस की एच की वैल्यू होनी चाहिए यू स्क्वायर बाय टू जी यू स्क्वायर हो गया ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई टू इंटू टेन यानी कि एच की वैल्यू होनी चाहिए थी ट्वेंटी मीटर ना हमें सिनेरियो में यह दिया हुआ है कि ये जो आपकी गेंद है ये 20 मीटर ना जाके 18 मीटर पे यहाँ तक पहुँची मोमेंटिल रेस्ट हुआ उसके बाद में भी वापस आ गई हमें बताना है कितना वर्क डन जो है वो आपका गया अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन वहाँ पर कितनी एनर्जी लूज हो गई एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम अपनी वर्क एन थोरम का इस्तेमाल करेंगे सो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सुडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा के ई यह आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो है वर्क डन बाय सुडो फोर्स जीरो है तो इसके बात नहीं करेंगे हमें बताना है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ है आ, वो अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन कारेंटिक एनर्जी से आ जाएगा सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसको अगर हमने जी पी ई इक्वल टू जीरो माना है गेंद आपकी अट्ठारह मीटर तक गई है तो उस केस में पोटेंशियल uh, एनर्जी में चेंज हम लिख सकते हैं सो so, नीचे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ऊपर जाके इंक्रीज हुई है सो इट विल बी एम जी एच माइनस ज़ीरो प्लस कान्टिंग एनर्जी जो हमने यहाँ प्रोवाइड की है वो ट्वेंटी के हिसाब से ऊपर जाके कान्ट एनर्जी ज़ीरो हो गई सो दिस विल बी फाइनल कान्टिंग एनर्जी ज़ीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अरे तो इसे कैलकुलेट करेंगे एम जी एच एम अपने को वन के जी जी टेन एटीन प्लस आ, ये अपना आ गया ज़ीरो इसको सीधा लिख लेते हैं माइनस वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय मास अपना वन है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी है नहीं तो ये बन गया अपना वन एट्टी और माइनस हो गया ये ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइड बाय टू इज़ टू हंड्रेड तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका आ गया माइनस ट्वेंटी जूल तो हमारी बॉडी को काम करना पड़ा ट्वेंटी जूल सो दैट मीन्स ट्वेंटी जूल ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर